कृष्ण आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। और श्रील प्रभुपाद जब झांसी में थे तो वो वानप्रस्थ थे, जब वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे संन्यास के पहले। ये लीला हुई जब वो भारतीय विद्या भवन में वहाँ पर रहते थे। उनके एक शिष्य भी थे, उनके नाम था आचार्य प्रभाकर। तो एक दिन हुआ ऐसे है कि जब श्रील प्रभुपाद रात के समय अपने कमरे में थे और उधर 12:01 था, रात का 1 बजे थे। तो ये आचार्य प्रभाकर ने देखा कि उनके सामने के रूम में जहाँ पे श्रील प्रभुपाद रहते थे तो वो लाइट चालू है और कुछ तो आवाज़ आ रही है। तो उठे वो हड़बड़ा से कि क्या आवाज़ आ रही है। आचार्य प्रभाकर उठे और देखा कि श्रील प्रभुपाद के रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। तो वो नज़दीक गए और देख रहे थे कि क्या हो रहा है अंदर। अंदर का लाइट चालू था और फिर उन्होंने थोड़ा दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद डांस कर रहे हैं, जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं हरे कृष्णा जय निमाय जय निताय गौरांगा नित्यानंदा, ऐसे बोल रहे। तो आचार्य प्रभाकर बोले, टाइम कितना हुआ, रात के 1 बजे है, ये व्यक्ति डांस क्यों कर रहा है अभी, 1 बजे है रात का। तो फिर थोड़ा सा और दरवाज़ा खोला उन्होंने और फिर अंदर गए तो देखा श्रील प्रभुपाद डांस कर रहे थे और प्रभुपाद के गले में एक गार्लैंड था, बड़ा गार्लैंड। और वो गार्लैंड किसका था, कदम्ब के फ्लावर्स, कदम्ब के जो फूल रहते हैं, इतने बड़े बड़े फूल थे कदम्ब के फ्लावर का और उसका गार्लैंड। उसका इतना महक आ रहा था, इतना स्मेल आ रहा था। तो आचार्य प्रभाकर बहुत खुश हो गए, बोले कि क्या है, गार्लैंड कहाँ से मिला प्रभुपाद को, रात के 1 बजे फ्रेश गार्लैंड लग रहा है और ये नाच क्यों रहा है। तो जाके प्रभुपाद को उन्हें ऐसा, स्वामी जी रुको। फिर प्रभुपाद थोड़े भारी कॉन्शियसनेस में आए और बोले। तो फिर तभी आचार्य प्रभाकर ने पूछा प्रभुपाद से कि आप क्या कर रहे हैं, इतने डांस क्यों कर रहे हैं, रात के 1 बजे रात में सोना चाहिए, आप यहाँ पे डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जोर जोर से मैं आ गया इधर, हुआ क्या, और ये गार्लैंड किसने दिया, मुझे भी तो बताइए क्या हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ रहे थे और श्रील प्रभुपाद ने बोला इनको, आचार्य प्रभाकर को, तुम्हें पता है ये गार्लैंड किसने दिया मुझे, किसने दिया प्रभुपाद, किसने दिया गुरु महाराज। तो प्रभुपाद बोले, अभी थोड़े देर पहले साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे और कृष्ण ने साक्षात मुझे ये कदम्ब के फूलों का गार्लैंड दिया है डायरेक्ट, और बोले कि मेरा आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, पूरी कृपा है, आप जाके प्रचार करो और मुझे ये गार्लैंड दिया, देखो। तो आचार्य प्रभाकर खुद बताते हैं ये लीला, बोल रहे थे कि झांसी में, पूरे झांसी में आप ढूंढ ढूंढ के कहीं पर कदम्ब का एक भी वृक्ष नहीं, और कदम्ब के नॉर्मल वृक्ष का जो फूल का साइज होता है इतना, लेकिन ये जो है उससे डबल, इतने बड़े बड़े फूल थे कदम्ब के और उसका गार्लैंड था। तो ये सच था कि कृष्ण भगवान आए साक्षात, प्रभुपाद को ये गार्लैंड पहनाए और वो गार्लैंड डायरेक्ट कहाँ से लाया था, डायरेक्ट गोलोक से आया था और वो गार्लैंड श्रील प्रभुपाद को पहनाया था। श्रील प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण के साथ डायरेक्ट उनका आदान प्रदान होता था, डायरेक्ट बातचीत करते थे। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके साथ भगवान डायरेक्ट आदान प्रदान करते थे और श्रील प्रभुपाद ऐसे एक नित्य पार्षद शुद्ध भक्त थे जो वैकुंठ गोलोक धाम से यहाँ पे आए थे हमारा उद्धार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।